अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, अ स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड एल मीटर्स इज इन द प्लेन ऑफ द पेपर, अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर ऑल्सो इन द प्लेन ऑफ द पेपर इज लिमिटेड ओनली द लोअर हाफ ऑफ द स्क्वायर सरफेस, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन एसआई यूनिट्स एसोसिएटेड विद द सरफेस इज। देखिए सबसे पहले हम लोग अगर ये देखें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है ई इंटू ए, या फिर इसको अगर आप डी ए लिखो तो ज्यादा बेटर है, कॉस थीटा। ठीक है, ई डी ए कॉस थीटा, जहां पे ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, डी ए का मतलब होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया जहां से जो फ्लक्स है या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है पास कर रही है, और थीटा जो होता है हमारे पास में, थीटा होता है किसके बीच का एंगल, एंगल बिटवीन किस किस के बीच में होता है, एक तो होता है हमारे पास में एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का एंगल होता है। अब यहां पे देखिए हमारे पास में जो एरिया वेक्टर होता है, एरिया वेक्टर क्या चीज होगी, जैसे अगर कोई भी सरफेस है, जैसे मान लीजिए कि ये एक सरफेस है, अभी सरफेस के अगर एरिया वेक्टर की बात करूंगा तो एरिया वेक्टर किस तरफ आएगा, एकदम बाहर की तरफ आएगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगा इसका, राइट। यानी कि जो वाला एरिया हमारे पास में होता है, जैसे ये वाला एरिया की बात करें तो इस एरिया से 90 डिग्री की आपको एक सीधी लाइन खींचनी है, तो वो जो लाइन होगी वो क्या होगी, इस पर्टिकुलर सरफेस का एरिया वेक्टर हो जाएगा। अब जैसे इस सिचुएशन में अगर आप देखोगे तो ये सिचुएशन कुछ इस तरीके से हमारे पास में कि ये कोई सरफेस है और यहां से इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है, राइट। अब ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन, और इस पर्टिकुलर सरफेस के लिए जो एरिया वेक्टर है वो क्या है, इस तरफ बाहर की तरफ, राइट। तो ये एकदम बाहर की तरफ आ रहा है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से जा रही है, तो यहां पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और ये जो एरिया वेक्टर है इसके बीच में, ये कितना हो रहा है 90 डिग्री, यानी कि यहां पे थीटा जो है वो आपके पास में 90 डिग्री है। तो इस केस में जो फ्लक्स पास होगा फाई, ठीक है, तो वो ई तो एज इट इज रहेगा, यहां पे फाई इज इक्वल्स टू ई तो एज इट इज रहेगा, डी ए भी आपके एज इट इज रहेगा, और कॉस थीटा की जगह हो जाएगा 90 डिग्री। अब कॉस 90 की जो वैल्यू होती है आपके पास में होती है 0, तो फाई ई जो होगा वो कितना हो जाएगा 0, दैट मींस जो फ्लक्स पास होगा वो कितना हो जाएगा 0, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके,